नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय का अंशीश रहता है। लुट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं और भाववाचक शब्द बनाने के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आइए साथियों जानते हैं लुट प्रत्यय का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कोई भी धातु आती है तो हम किस प्रकार से लुट प्रत्यय का निर्माण करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए लुट प्रत्यय, इसमें यू से पहले ले है, इसका भी इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है और टे की भी इत संज्ञा हो जाती है। फिर शेष बचा यू। यू अन में चेंज हो जाता है, अन में चेंज कौन से सूत्र से? यू और नाको, यू और नाको उस सूत्र से ये यू अंशेष में अन में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टय है, हलंत्यम सूत्र से टय का लोप हो जाता है और जो लय है इसका लसक तद्विते सूत्र से लय का लोप हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लुट प्रत्यय में लय का लोप होता है लसक तद्विते सूत्र से, टय का लोप होता है हलंत्यम सूत्र से, यू अन में चेंज होता है यू और नाकव सूत्र से, यू और नाकव सूत्र से। तो ये दो, ये तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जैसे पठ धातु है और इसका शेष क्या रहता है? अन। तो साथियों क्या होगा, पठ धातु है और लुट प्रत्यय, लुट मीन्स अन, लुट प्रत्यय हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा शब्द हमारा पठनम। शब्द क्या होगा? पठना, ये जानना। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे नम, तो नम में भी लुट प्रत्यय जोड़ते हैं तो साथियों क्या होगा? नम नम, नम नम, ध्यान से देखेंगे आप। फिर है नी, नी धातु आ गया। अब देखिए आगे हम क्या जोड़ते हैं? लुट प्रत्यय, इसको ध्यान से देखना आपको। लुट प्रत्यय तो नी लिख दिया हमने और आगे क्या शेष रहता है? अन, नपुंसक लिंग बनाएंगे तो अनम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई के बाद में क्या है? ए, आवश्यकता होने पर संधि भी करते हैं तो ई का क्या हो जाता है साथियों? ये यण संधि करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ई का ये हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? नये नम, इस प्रकार से नये नम कर देंगे। ठीक है, तो ई का क्या करेंगे? ये, तो ये हो जाएगा नय नम, नय नम। ठीक है, नेक्स्ट है दृश, दृश धातु लुट प्रत्यय तो साथी होगा दर्शनम, दर्शनम। श्रु धातु लुट प्रत्यय श्रु, धन लुट तो श्रवणम, श्रवणम। वच धातु लुट प्रत्यय वचनम, वचनम। लुट का मतलब होता है अन, लुट मीन्स अन। नेक्स्ट है धाम धातु लुट प्रत्यय धावनम, धावनम। सी धातु लुट प्रत्यय शब्द बनेगा शयनम, क्या बनेगा? शयनम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे पठ धातु लुट प्रत्यय दे दिया गया, आपको ऑप्शन में जाएगा पठनम, पाठनम, पठेनम, तो हमें तो शुद्ध आंसर देखना है, शुद्ध आंसर देखना है, पठनम बस। इसमें वृद्धि और गुण कुछ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे स्मृति है तो री का रे, री का रे, यदि सब धातु के अंत में री है तो रे, ई है तो ये, उ है तो वे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए स्मृति, स्मृति धातु है और लुट प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर स्मरणम हो गया, स्मरणम। ठीक है, नेक्स्ट है क्री धातु, तो क्री का क्या कर देंगे? री का रे,
तो क्या हो जाएगा कर्णम, कर्णम ठीक। रम, रम धातु धन लुट प्रत्यय, शब्द बना रमणम, रमणम शब्द बना। वस धातु लुट प्रत्यय, वसनम। धृ धातु लुट प्रत्यय, धरणम धारण करना, वसनम रहना, रमणम रमण करना, करणम कोई भी कार्य करना, स्मरणम याद करना, श्रवणम सुनना, वचनम बोलना, धावनम दौड़ना, शयनम सोना। नेक्स्ट भी, धन लुट भयनम, पूज धन लुट पूजनम, रिहि धन लुट हरणम, क्री धन लुट क्रयणम, क्रयणम। वद धन लुट वदनम, भ्री धन लुट भरणम। कोई भी शब्द बनाएंगे हम, जो इन शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं, धातु से लुट प्रत्यय का निर्माण होता है, लुट प्रत्यय धातु से बनता है, तो जिस प्रकार से मना रहे हैं यदि इनके अलावा और दूसरी भी धातु आती है तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और पहचान भी सकते हैं। जैसे भी भयनम पूज पूजनम, रिहरणम क्री क्रियणम, वद वदनम भ्री भरणम। नेक्स्ट है ची, ची का चयनम, ची धन लुट चयनम, भू धन लुट भवनम, हस धन लुट हसनम, और रक्ष धन लुट रक्षणम। नेक्स्ट है हन धन लुट हरणम, हरणम ठीक है। एक बार और देखते हैं लुट प्रत्यय प्रारंभ से, ये हमारा क्या है लुट प्रत्यय। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इस टे का टे की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है, और लसक्व तद्विति से, लसक्व तद्विति सूत्र से इस ले की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से लोप हो जाता है। अब हमारे पास में चीज बचा यू, तो सूत्र आता है हमारा यू और ना कौ, ये सूत्र आता है। तो यू का क्या हो जाएगा साथियों, ये क्या है यू और ना कौ, लुट और नाउल दो प्रत्ययों का सूत्र है। यहां पर यू का क्या होगा अन, और वू का क्या होगा अख, यू का क्या होगा अख, इसलिए यहां पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो इस यू के स्थान पर हमारा शेष क्या होगा अन, ठीक है।
यू और नाकाउ सूत्र से यू के स्थान पर अनादेश होता है, यू के स्थान पर अनादेश होता है। हलंत्यम सूत्र से टे का लोप हो जाता है। लसक और तद्विधेय सूत्र से ले का ल का लोप हो जाता है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है। ठीक है साथियों, तो विद्वान साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।